अपने लेक्चर का थर्ड सेशन हम शुरू करते हैं। ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक और उन्होंने ये क्वांटिटेटिव ईजिंग लागू करना चाहते हैं, तो उसका मतलब क्या है भारत और विश्व इकोनॉमी में, उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, और ये ग्रीस क्राइसिस और इनके क्या एंगल बन रहे, जल्दी से समझ लेते हैं। पहले ये लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग ऐसा कुछ लाना चाहते हैं, क्यों लाना चाहते हैं? एक, ये यूरोपियन यूनियन के अंदर हम डेटा देखे तो महंगाई वहां अपनी जो बहुत ज्यादा है, यहाँ तो बहुत कम है। और उसके अलावा ये जो अभी अभी क्रूड ऑयल का प्राइस और कम हो गया, तो आप सोचो कि क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो इन्फ्लेशन और सस्ता हो नीचे चला जाएगा, बराबर। यूरोपियन यूनियन का हम दिसंबर का डेटा देखे तो वहां पे इन्फ्लेशन है -0.2%, मतलब कि डिफ्लेशन चल रहा है। और डिफ्लेशन हो जाए तो वो अपने को अच्छा अच्छा, लेकिन वो इकोनॉमी के हाथ हित में नहीं है। हित में इसलिए नहीं है, जब दाम बहुत गिर रहे हो तो जनता ये सोचती है कि और गिरने दो फिर हम खरीदी करेंगे, तो परचेजेस आर डिलेड और डिमांड एकदम से कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है तो कंपनी को कैसे रेवेन्यू आएगा, बिजनेस एक्सपेंशन हो नहीं पाएगा, और फिर भी अपनी वायबिलिटी सस्टेन करना है तो वो क्या करेंगे, कुछ यूनिट शट डाउन कर देंगे, कुछ लोगों को नौकरी से निकाल देंगे। और फिर भी ये चलता ही रहा, डिफ्लेशन चलता ही रहा और उस कारण से ग्रोथ नहीं दिखा, तो आगे चल के रिसेशन भी की समस्या आ सकती है। इन सबसे अगर बचना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये इन्फ्लेशन अपना जो माइनस में चल रहा है इसको प्लस में लेके आओ। आप उर्जित पटेल को भी याद करो, उसने क्या बोला था, 2 से लेके 6% के बीच में होना चाहिए तभी हेल्दी इकोनॉमी कर सकती। तो हम वापस अपना फर्स्ट लेक्चर याद करें कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है सेंट्रल बैंक, क्वांटिटेटिव रूल्स रहते हैं, इन्फ्लेशन से भी लड़ सकते हो और डिफ्लेशन से भी लड़ सकते हो। जब डिफ्लेशन से लड़ना हो तो हमने क्या करना चाहिए, इजी मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, मनी सप्लाई को इस हिसाब से बाजार में इंक्रीज करिए आप। अब इंक्रीज करने के लिए क्वांटिटेटिव टूल्स जो अपने पास थे, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और थर्ड था पॉलिसी रेट, रेपो रेट। भारत के अंदर कैसे होता है हमने देखा था, यही बात अब यूरोपियन यूनियन की सेंट्रल बैंक ने करनी है और उन्होंने डिफ्लेशन से लड़ना है, तो मतलब ये वाला कॉलम आप फोकस करिए। एक तो दवाई ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है पॉलिसी रेट को डिक्रीज करवाइए आप, तो भारत में तो अपना था 8% घटा के 7.75% ऐसा कुछ कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में उनका जो भी पॉलिसी रेट है वो तो पहले से या 0.3% 0.005% के आसपास चल रहा है, अब इसको आप नियर जीरो है उसको और कितना कम कराओगे, और कम कराओगे तो भी जरूरी नहीं कि वहां की सारी बैंक शॉर्ट टर्म में उनकी सेंट्रल बैंक से उधारी में पैसा ले जाए। तो ये जो पहला हथियार था पॉलिसी रेट को कम करो, ये फेल हो गया। दूसरा हथियार यूज करते हैं, चलिए सीआरआर और एसएलआर को यहाँ पे लिखा है कम कर दीजिए आप, तो आप सोचिए कि कम करके जीरो भी आप नहीं कर सकते, कुछ तो बैकअप में रखवाना पड़ेगा वरना बैंकिंग क्राइसिस हो सकती है, तो बैकअप के लिए भी सीआरआर एसएलआर कुछ तो लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। तो फिर याद आता है कि हाँ, तो फिर तीसरा तुक्का आप लगाइए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में उनकी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना शुरू करे। खरीदे क्यों, जब खरीदेगी तो सामने पैसा देगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोन इंटरेस्ट रेट कम होगी, जनता ज्यादा लोन में पैसा लेगी, होम लोन, ऑटो लोन, और फिर वो खरीदारी करेगी, डिमांड बढ़ेगी, एक्सपांशन ये वो करके जो डिफ्लेशन लाभ नीचे गिर रहा है अपने आप धीरे धीरे ऊपर आना शुरू करेगा। तो मतलब ये सॉल्यूशन कुछ सोचा गया, इसको लागू कैसे करना है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी और उसके चेयरमैन का नाम है मारियो ड्रागी। अपने सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। मारियो ड्रागी जनता को क्या बोलते हैं, तुम मुझे अपने बॉन्ड दो मैं तुमको सामने यूरो दूंगा। मतलब उनकी जो इन्वेस्टर्स हैं, बैंक है, उन सबको बोल दिया कि आप अपने बॉन्ड सारे मुझको बेच दो, सामने मैं आपको कुछ पैसा दूंगा। इसके अंदर भी लिमिट उन्होंने बनाई है कि हर महीने मैं प्राइवेट कंपनी के 10 बिलियन यूरो के बॉन्ड खरीदूंगा, और ये जो स्टेट बॉन्ड मतलब जो देश हैं यूरोपियन यूनियन के, उनके जो मैं बॉन्ड खरीदूंगा वो 50 बिलियन यूरो उतने। और ये ऐसे भी नहीं कि खड्डे में गए देश और खड्डे में गई कंपनियों के, नहीं, मिनिमम बीबीबी माइनस इन्वेस्टमेंट ग्रेड का रेटिंग होना चाहिए या उससे ऊपर। जंक बॉन्ड होगे तो वो मैं खरीदूंगा नहीं। खैर, तो इस हिसाब से हर महीने मैं इतने आपसे बॉन्ड खरीदूंगा तो सामने स्वाभाविक है जनता को क्या मिलेगा, यूरो करेंसी मिलेगी। कितनी मिलेगी, 50+10 मतलब 60 बिलियन यूरो पर मंथ, इतना मनी सप्लाई अचानक से बढ़ जाएगा। और ये लागू करेंगे मार्च 2015 से, और ये नोट छाप के आप देते रहेंगे ये कब तक, मारियो ड्रागी बोलते हैं अप टू सितंबर 2016 तक मैं करूंगा, या फिर जब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मुझको बढ़ावा दिख जाए। क्यों, क्योंकि इनको मुख्य आशय क्या है, ये डिफ्लेशन को रोकना है, महंगाई की तरफ बढ़ना है। तो जब महंगाई बढ़ने लगे तो अपने आप हम समझ सकते हैं कि हाँ, अब जनता ने खरीदारी जम के शुरू की है, डिमांड हो रही है, बिजनेस एक्सपांड होगा, ये वो।
तो मतलब या तो सितंबर 2016 तक या तो जब महंगाई बढ़ना शुरू हो जाए तब तक। और अगर हम सितंबर 2016 तक गिनती मारे मार्च से लेके वहां तक, तो अप्रोक्सीमेटली ड्रागी का प्लान है कि 1.1 ट्रिलियन यूरो में सिस्टम में इंजेक्ट करूंगा। अब इंजेक्ट करोगे तो इससे क्या होगा, बीबीसी वालों ने एक आसान चार्ट बना दिया, उसे पता चल जाएगा। सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, वो आपसे बॉन्ड खरीद रही है और आपको सामने यूरो दे रही है, तो स्वाभाविक है जनता के पास यार ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पहले से ज्यादा यूरो आ गए, तो वो उनमें से कुछ लोग अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। जनता मतलब बिजनेस लोन मिलेंगे तो बिजनेस एक्सपांड होगा, जनता ने घर खरीदा, ऑटो खरीदा, कुल मिला के दे स्पेंड मोर मनी एंड दे क्रिएट जॉब्स, और उसके कारण वापस फिर महंगाई अपने आप ऊपर आने लगेगी और साथ ही आपको इकोनॉमी के अंदर भी ग्रोथ दिखेगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया की जा रही है इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एजिंग। क्वांटिटेटिव एजिंग क्यों, धीरे धीरे इजी मनी को परस्यू किया जा रहा है, और क्वांटिटेटिव इसलिए कि उसका एक टूल क्या था अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन, और उस हिसाब से ये परचेस किया जा रहा है क्वांटिटेटिव एजिंग। अब कुछ फीचर वगैरह बात करनी हो तो ये इन्होंने, इनको सपना आ गया और पहली बार कर रहे हैं दुनिया में, नहीं, सबसे पहले ये काम किया था बैंक ऑफ जापान ने इन द 90s। क्या उससे उनकी इकोनॉमी रिकवर हुई, कुछ एक्सपर्ट का बोलना है हाँ, कुछ का बोलना है नहीं। उसके बाद सबप्राइम क्राइसिस आई और उससे रिकवर करने के लिए अमेरिका वालों ने भी यही तिकड़म लगाया क्वांटिटेटिव एजिंग, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यही काम किया था। और अब लेटेस्ट में कौन आया है इसी गेम खेलने के लिए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और उनका ये क्वांटिटेटिव एजिंग प्रोग्राम, और कुछ लोग इसको बोलते हैं यूरोजोन बॉन्ड परचेज प्रोग्राम, बोथ आर सिनोनिम्स, एक ही बात चल रही है कि भाई बॉन्ड खरीदेंगे और मनी सप्लाई बढ़ाएंगे। 2015 की मार्च से ये गेम शुरू करेंगे, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोन प्रोडक्ट सस्ते होंगे, जनता पहले से ज्यादा कार और होम खरीदेगी, स्वाभाविक है तो डिमांड बढ़ेगी, एक्सपांशन दिखेगा। सेकंडली आप सोचो कि यूरो का अचानक से सप्लाई बढ़ेगा तो कंपेयर टू फॉरेन करेंसी वो मजबूत होगा कि कमजोर होगा, कमजोर होगा, यूरो विल गेट वीकर कंपेयर टू डॉलर एंड अदर फॉरेन करेंसी। तो अब दूसरे देश वाले क्या सोचेंगे कि यार यूरो पहले से मेरे को सस्ते में मिल रहा है, तो मतलब आई कैन इंपोर्ट मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बराबर, तो उस कारण से यूरो जोन और ये यूरोपियन यूनियन से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और वापस और एक्सपांशन बिजनेस में दिखेगा, डिमांड बढ़ेगी, और जो ये नीचे गिर रहा था पूरा डिप्लेशन उससे रिकवर होकर आप इन्फ्लेशन की तरफ गति करोगे, पैरेलल जीडीपी में आपको ग्रोथ दिखेगा। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी। और आप देखिए मारियो ड्रागी क्या करें, जनता से बॉन्ड खरीद रहे हैं। अब आप सोचो अगर दिवाली का त्योहार है और अचानक से कोई आदमी ढेर सारी खरीदी करे तो स्वाभाविक है बाजार में उस चीज के दाम बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो मतलब बॉन्ड के दाम बढ़ेंगे तो बॉन्ड यील्ड क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, इट विल डिक्लाइन। हमने वो पहले भी समझा था बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड के बीच इनवर्स रिलेशन है, फिर भी वापस याद करवा लूं मैं आपको। मान लो मैंने कोई बॉन्ड खरीदा 80 रुपए में और एक साल में उस पर मुझको ब्याज दिया 8 रुपए, तो मेरा यील्ड बनेगा 10%। अब यही वाला बॉन्ड मैं किसी और व्यक्ति को 100 रुपए में दे दूं तो आपके निवेश हुआ 100 रुपए, लेकिन आपको भी इंटरेस्ट तो फिक्स लिखा होता है कि 8 रुपए मिलेगा, बट योर यील्ड इज कितनी घट गई, जो 10% से उससे 8% हो गई। बॉन्ड यील्ड जब कम होती है तो मतलब कि यदि आप भी अगर फिर भी ये सोचते हैं कि मेरे को तो 8,000 या 10,000 मिलना चाहिए, देन यू विल हैव टू परचेज मोर अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स। एब्सोल्यूट फिगर में ज्यादा पैसा कमाना है तो पहले से ज्यादा बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे, या तो सरकारी खरीदो या तो प्राइवेट कंपनी में चले जाओ। जब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है, जब सरकारी बॉन्ड की यील्ड कम होने लगती है, तो ये पेंशन कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड वाले ये क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो से सरकारी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड इसको बेच देंगे, और वो जितना पैसा आया उससे वो कोई प्राइवेट बॉन्ड, उसमें भी वो जंक बॉन्ड के पैरेलल जो चल रहा है वहां पे जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो एक प्रकार से कंपनियों को नया कैपिटल मिल जाएगा और उससे और बिजनेस एक्सपांशन दिखेगा, बढ़िया चीजें होंगी वगैरह। अब इसे इसके एंटी आर्ग्यूमेंट क्या किए गए, मारियो ड्रागी का प्लान वापस क्या करेंगे, आप मेरे को बॉन्ड दो मैं आपको नया यूरो छाप के देता हूं। जर्मनी को ये पसंद नहीं है, जर्मनी को पसंद इसलिए नहीं है, आप वो याद करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, और उसमें जर्मनी के ऊपर वॉर रिपेरेशन कॉस्ट के नाम पे ढेर सारा पैसा उनको देना था और इकोनॉमी जो खड्डे में गई, तो जर्मन सरकार ने ये किया नोट छापो जिंदाबाद, और इतने सारे नोट छाप दिए कि उसकी फेस वैल्यू कुछ रही नहीं, फेस वैल्यू से भी वो नीचे गिर गए। मतलब अगर आपने ब्रेड का एक पैक खरीदना हो तो लारी लेके उतने सारे जर्मन करेंसी लेके जाना पड़ता, कोयला इतना महंगा था कि लोग वो करेंसी लेके कोयला नहीं खरीदते थे, वो उसको जला के ही हाथ सेक लेते थे, ऐसा हाइपर इन्फ्लेशन वहां पे बना था कि जो पेपर करेंसी पे नोट छापा है उस पेपर, वो ही पेपर उससे ज्यादा महंगा होने लगा, तो हाइपर इन्फ्लेशन पहले हुआ था।
वर्ल्ड वॉर टू के पहले, तो जर्मनी ने अपने हाथ जलाए हैं इसमें, तो उनको ये हमेशा एक सबकॉन्शियस माइंड में भय रहता है कि ऐसे ही बेफिजूल नोट छाप के आप कुछ करोगे आगे चल के अपने सिस्टम को कोलैप्स कर देगा। और जर्मनी के एंजेला मार्केल वो तो 11th आवर तक वो तो राजी ही नहीं थी इस पे, बट फिर दूसरों ने परस्यू किया तो ठीक है चलो करो। मतलब ये उनका एक व्यक्ति जो ऑपोजिशन में है। अब अपने लिए कि इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट GS2 का मुद्दा, अभी तो ये मार्च से शुरू होगा तो मतलब असल में क्या होगा हम तो केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा आ जाए तब तक रियल हार्डकोर पॉइंट अपने हाथ में कि यार ये हुआ था अच्छा या बुरा, अभी तो केवल तुक्केबाजी में हम अच्छा क्या हो सकता है और बैड क्या हो सकता है देख ले। अच्छा क्या हो सकता है, हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड जब कम होने लगती है तो वहां के पेंशन म्यूचुअल इंश्योरेंस फंड वो वाले सरकारी बॉन्ड खरीद के कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो उस प्रकार से ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FII वाले भारत के अंदर जोरदार पैसा लगाएंगे तो फॉरेन कैपिटल भारत में आएगा, अपनी कंपनियां एक्सपांड करेंगी, नई नौकरियां बनेंगी, GDP में ग्रोथ दिखेगा, बढ़िया बातें ये होंगी। सेकंड थिंग, हमने देखा कि यूरो अचानक से ज्यादा छापेंगे तो वो फॉरेन करेंसी के अनुपात में उनका यूरो कमजोर हो जाएगा, तो यूरो वीक हो जाएगा तो अपने आप वहां से इंपोर्ट करना हमारे लिए सस्ता, तो जो माल वहां से आयात करते हैं अपने को वो सस्ता लगेगा, मजा आ जाएगा। सेकंड, कुछ लोग ये भी इंटरप्रिट करते हैं कि ये क्वांटिटेटिव एजिंग के बाद हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन में डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां की कुछ जनता भारत का माल भी इंपोर्ट करे, कार कर लेगी, फार्मास्यूटिकल ये वो कर, तो एक्सपोर्ट भारत का बूस्ट होगा, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, होंगे कि नहीं ये तो अब देखने, मार्च से जब शुरू होगा तब देखेंगे। नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ये तो इक्विलिब्रियम में चलता है, तो अगर यूरो कमजोर हो गया तो अपना रुपया उसके सामने स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग रुपी हो तो किसको मजा नहीं आएगा, इंपोर्टर को कि एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को मजा नहीं आएगा। स्पेशली ये यूरोपियन यूनियन वैसे तो अपना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हम वहां पे जमकर एग्रीकल्चर में सामान बेचते हैं, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल, तो ये सारा जो एक्सपोर्ट अपना पहले से डिक्लाइन हो जाएगा, नेगेटिव बात। सेकंड, ये फॉरेन कैपिटल के नाम पे ढेर सारा पैसा अचानक से सिस्टम में आ गया और मान लीजिए कि रियल एस्टेट में सारा इन्वेस्ट हो रहा है कहीं भी, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ये भी एक खतरा है। सेकंड, कि ये क्वांटिटेटिव एजिंग तो आप समझ सकते हैं कि वो बॉन्ड खरीदते हैं और नोट छाप के आपको देते हैं, लेकिन ये पूरी जिंदगी तक नहीं चलाएंगे, हमने देखा September 2016 या फिर महंगाई काबू में आ जाए तब, वो जब सिनेरियो बनेगा तो धीरे धीरे ये लोग टैपरिंग करेंगे। टैपरिंग करेंगे तो क्या होता है, अभी प्लान क्या है, हर महीने 60 बिलियन यूरो का बॉन्ड आपसे खरीदेंगे, आपको पैसा देंगे, तो ये सप्लाई चल रहा है, जब इनको लगे कि वापस रिकवरी में है तो धीरे धीरे ये खरीदी कम कर देंगे, खरीदी कम करेंगे तो नए यूरो बाजार में पहले से कम आएंगे, ये ऐसा जब करेंगे मान लो 60 चल रहा है फिर 55 50 45 ऐसा धीरे धीरे करके वो बॉन्ड परचेज प्रोग्राम कम करेंगे। जब ऐसा होता है तो ग्राफ में ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से इसकी विड्थ कम हो रही है, इसको बोलते हैं, इस प्रकार की जो विड्थ है उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बोलते हैं टैपरिंग, टैपरिंग मीन्स कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द विड्थ। तो जब ये यूरोपियन यूनियन वाले क्वांटिटेटिव एजिंग से टैपरिंग में शिफ्ट करेंगे तब अपनी इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। नुकसान कैसे हो सकता है, फर्स्ट जब टैपर शुरू होगा तो इससे ये हिंट दी जाएगी कि भाई यूरोपियन यूनियन अब रिकवरी के मोड में है, रिकवरी में होगा तब ये जो पेंशन इंश्योरेंस वाले ये अब ये सोचेंगे कि वापस वहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो ये सारे FII वाले भारत के शेयर बॉन्ड बेच के अपना रुपया निकाल के भाग जाएंगे, तो अचानक से वो चले जाएंगे और अपने एक्सचेंज रेट को डिस्टेबिलाइज कर देंगे, हॉट मनी का प्रॉब्लम जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, तब जाके अपना इंडियन रुपी सभी मेजर करेंसी के सामने अचानक से वीक हो जाएगा। स्ट्रांग या वीक हो वो अलग बात है, लेकिन वो वॉलेटिलिटी अचानक से नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी को नुकसान करता है। तो उस वक्त एक्सपोर्ट तो बढ़ेंगे हाँ जब रुपी वीक हो जाएगा, लेकिन इंपोर्ट अपने को नुकसान करेंगे। और राजन भाई का ये बोलना है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, जापान देख लो, इंग्लैंड देख लो, USA देख लो, ये अपना यूरोपियन यूनियन, इनको जब मूड बन गया तो पहले खुद ही खट्टे में ले जाते हैं इकोनॉमी को, फिर क्वांटिटेटिव एजिंग लाते हैं, फिर रिकवरी आते हैं तो फिर टैपरिंग शुरू करते हैं। दिस फर्स्ट वर्ल्ड्स लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज आर अनलेशिंग फाइनेंशियल टर्मोइल ऑन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, कि ये जो सस्ते ब्याज में सबको लोन दिलवाएंगे वगैरह इस प्रकार की मानसिकता से ये परस्यू कर रहे हैं उससे हमारे देशों को नुकसान हो रहा है। तो आपको ये स्टेटमेंट देख के इलेबोरेट क्रिटिकली एग्जामाइन ऐसा कुछ मुख्य परीक्षा में पूछा जाए यही सारे मुद्दे आपने लिखने हैं। अब लास्ट पॉइंट की ग्रीस और उसकी ये एंटी ऑस्टेरिटी और ये क्या पूरा मामला है। पहले तो ग्रीस देश है कहां पे, यूरोप का पॉलिटिकल मैप देखते हैं, एक तरफ पोपचे में आइसलैंड, फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया,
फिर आता है आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये अपना नीचे फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, बड़े बड़े देश। नीचे आप देखो पोर्टुगल है, स्पेन है, यहाँ पे इटली है, और बाजू में ग्रीस यहाँ पे है, एक छोटा सा देश जिसकी राजधानी है एथेंस, और इटाली की है रोम, बाजू में टर्की वगैरह। खैर ये ग्रीस वाले को क्या तकलीफ है, इनके यहाँ राजीव गांधी और दीनदयाल के नाम पे बहुत सारी स्कीम चलाती थी सर, एक्सेसिव पब्लिक वेलफेयर। अब सरकार को मन मर्जी उसकी स्कीम सब्सिडी में चलाए, बट शर्त क्या है, तो सामने पैसा भी उतना आना चाहिए। अब इनके जो भी सरकारी निगम थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सभी नुकसानी में जा रहे हैं। नुकसानी में जा रहे हो तो फिर ये करना पड़ेगा कि नौकरी से लोगों को निकाल दो, लेकिन ये लोग निकालते नहीं थे क्योंकि ये ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन वाले ये पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। स्वाभाविक है खर्चा बहुत ज्यादा है और अपनी आय कम है, आपने उधारी में पैसा लाना पड़ेगा। उनकी सरकार ने यूरोपियन बैंक से सभी जगह से ढेर सारा पैसा उधारी में लिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जनता तो टैक्स में पैसा कुछ देती नहीं, मास टैक्स इवेजन। सब प्राइम क्राइसिस आई अमेरिका में, स्वाभाविक है, तो इटली वाले जो भी वहां एक्सपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट डाउन हो गया। अमेरिकन टूरिस्ट जो यहाँ पे आके उस हिसाब से पैसा मिलता था वो भी कम हो गया, तो इनके बिजनेस चौपट हो गए, तो स्वाभाविक है टैक्स इवेजन, और वो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, और कुछ लोग तो टैक्स भर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी आमदनी नहीं है। अब ऐसे केस में पूरा सिस्टम इतना डिस्टेबिलाईज हो गया कि खर्चे बहुत ज्यादा है, पैसा कुछ आ नहीं रहा है, और उधारी का पैसा जो पहले लिया था वो इनकी सरकार परत नहीं कर पा रही है। देयरफॉर ये आ गए सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस के अंदर, कि ये उनकी सरकार ने ही जो यूरोपियन बैंक से उधारी में पैसा लिया उसको ये लोग वापस नहीं कर पा रहे। अब वापस नहीं कर पा रहे और इनको अब आशा है कि ये मारियो ड्रागी कुछ मदद कर ले। लेकिन मारियो ड्रागी ने ये बोला कि हाँ मैं ये मार्च महीने से शुरू तो करने वाला हूं कि मैं सभी बॉन्ड खरीदूंगा ये वो, लेकिन पहले 6 महीनों के लिए मैं आपके बॉन्ड नहीं खरीदूंगा। इसलिए नहीं खरीदूंगा कि मेरी शर्त क्या थी, बीबीबी रेटिंग माइनस या उससे ऊपर वाले होने चाहिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, लेकिन आपकी सरकार इतनी खड्डे में गई है और क्रेडिट रेटिंग वालों ने आप सबको जंक बॉन्ड डिक्लेयर कर दिया, तो मैं आपको वो बॉन्ड खरीदूंगा नहीं। पिछली बार भी हमने आपको ऐसे ही बेल आउट मनी नाम पे ढेर सारा पैसा दिया था, लेकिन आपने कुछ ढंग से काम किया नहीं। अगर आप मेरी मदद चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सरकार के ये बॉन्ड वगैरह खरीद लूं, तो आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब ये ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या है, क्रूड शब्दों में बोले कि अपने बेफिजूल के खर्चे कम करो, वो होती है ऑस्टेरिटी। कैसे, एक तो आप अपनी फिजूल डेफिसिट कम करो, वेलफेयर स्कीम जितनी भी चला रहे हो जिसके भी नाम पे वो सारी बंद करवाओ, जो आपके लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको या तो बंद करवा दो, उसको प्राइवेटाइज करवा दो। प्राइवेटाइज कराओगे तो क्या, वो सारा शेयर बेच के पैसा आएगा, उससे फिजूल डेफिसिट कम हो जाएगी। जनता पे जो टैक्स लगाए उसका रेट बढ़ाओ, और इवेजन कर रहे उसको पकड़ो। हमने जो पहली बार आपको बेल आउट के रूप में पहले के सालों में भी पैसा दिया था बेल आउट मनी के रूप में, तब भी आप लोग की पहली सरकार ने बोला था कि हम ये शर्त नंबर 1 से 4 मानेंगे, लेकिन उन्होंने कोई शर्त मानी नहीं, कोई हमको रिव्यू रिपोर्ट दिया नहीं, तो आप पहले जो पैसा लिया था उसका हमको रिपोर्ट दो, क्या किया उससे और कितनी शर्तें आपने मानी। तो ये सारी इनकी यूरोपियन यूनियन की शर्तें हैं इनपे। अब ग्रीस के अंदर जो नए चुनाव हुए, तो साइरिजा नाम की एक लेफ्टिस्ट पार्टी, उनका दबदबा आया, उनका लीडर है एलेक्सिस तसीप्रास, जो भी ये एलेक्सिस और साइरिजा ये क्या बोलते हैं, नहीं हम ये कुछ नहीं करेंगे, हम तो जितनी वेलफेयर स्कीम है वो तो हम बढ़ाएंगे, हम कोई निगमों का प्राइवेटाइजेशन, वहां से किसी को नौकरी में नहीं निकालेंगे, क्यों, दिस इज वन टाइप ऑफ लेफ्टिस्ट पार्टी। तो मतलब इनका स्टैंड क्या है, ऑस्टेरिटी के ये लोग खिलाफ है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एंटी ऑस्टेरिटी मेजर्स, एंटी ऑस्टेरिटी पार्टी है। और ये ऐसी भी धमकी देते हैं कि हम आपके यूरो जोन से निकल जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, यूरो जोन से निकल जाएंगे मतलब अभी जो हम यूरो करेंसी यूज करते हैं उसको छोड़ के हम अपनी पुरानी जो थी रेचमा करेंसी वहां पे वापस आ जाएंगे। तो अगर ऐसा ये लोग करेंगे तो क्या हो सकता है, व्हाट कुड हैपन, यूरो छोड़ दिए और अचानक से इन्होंने अपना ये ड्राचमा छापना शुरू कर दिया, तो आप समझिए ऐसा तो नहीं होगा कि $1 = 1 ड्राचमा, वो तो सप्लाई डिमांड से होगा। तो शुरुआत में इनकी करेंसी फॉरेन करेंसियों के हिसाब से बहुत कमजोर रहेगी, कि $1 बिकेगा 500 ड्राचमा वगैरह में। जब ऐसा होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, स्वाभाविक है, आपकी करेंसी बाहर वाले लोगों को आपका माल सस्ता दिखेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हाँ, लेकिन इम्पोर्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल महंगा होगा तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वापस इनस्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों का ये मानना है कि जब पूरा सिस्टम एकदम खड्डे में चला जाएगा
तो ये साइरिजा पार्टी और ये सब लोग समझ के अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कुछ रिफॉर्म लाएंगे, प्रोफेशनलिज्म बढ़ाएंगे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सेल्फ रिफाइनेंस बढ़ेगा, ये वो अच्छा अच्छा करेंगे। इन सबसे इनका तो पॉइंट ऑफ व्यू ये चल रहा है, इनको भी पता है अगर ऐसा करेंगे तो समस्याएं क्या आ सकती है। सबसे बड़ी कि इंपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे और इन्फ्लेशन काबू में कैसे लाएंगे। और यूरोपियन पावर पर्टिकुलरली फ्रांस जर्मनी, इनको ये चिंता है कि अगर ये लोग छोड़ के चले गए तो हम पैसा रिकवर लोन का कैसे करेंगे। एक तो बात ये हो सकती है कि इन लोगों ने यूरो छोड़ दिया और हाथ खड़े कर दिए, हम पुरानी सरकारों की कोई बात मानेंगे, उनको उधारी में लिया था उनसे जाके पूछो भी ऐसा किया गया था। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जब हुआ रशिया में तो जो नए कम्युनिस्ट आए उन्होंने बोला कि जार ने जो भी बाहर से उधारी में पैसा लिया हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं, हम वो पैसा परत नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक जर्मन फ्रांस इनको चिंता होने लगी। सेकंड थिंग, तो मतलब कि यूरोपियन यूनियन को भी पता है कि यार ये लोग नहीं जाने चाहिए, ग्रीस वालों को भी पता है कि हम जाएंगे तो क्या समस्याएं आ सकती है। मतलब एक प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल करने की कि हम चले जाएंगे, हमारी मदद करो। ग्रीस अभी क्या चाहता है, एक कि ये मारियो ड्रागी का जो क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम है कि हर महीने में 60 बिलियन यूरो के बॉन्ड खरीदूंगा तो आप हमारे सारे बॉन्ड खरीद लो उसमें, और बॉन्ड खरीद के राइट ऑफ अवर प्रीवियस डेब्ट्स। मतलब आप समझिए, मैंने आपको बॉन्ड दिया तो आपने मुझको पैसा दिया लेकिन मुझको प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपको वापस करना है, ये क्या बोलते हैं, नहीं बॉन्ड आप खरीद लो, प्रिंसिपल इंटरेस्ट हमसे कुछ मत मांगो, राइट ऑफ अवर प्रीवियस डेब्ट्स। और उसके अलावा भी बेल आउट के नाम पे हमको और पैसा दीजिए ताकि हम ये वेलफेयर स्कीम में और पैसा खर्चा कर सके, पीएसयू को और एक्सपांड कर सके, नई नौकरियां खड़ी होंगी तो डिमांड बढ़ेगा, जीडीपी इंप्रूव होगा और साथ साथ पूरी सिस्टम वापस आएगी। तो स्वाभाविक है ये तो वो राधा नाचेगी और वो जो कावत है यूरोपियन यूनियन वाले इसकी बात नहीं मानेंगे और इनको ये तो स्टेलमेट एक बना हुआ है। आगे अब क्या होगा, बॉल बाय बॉल कॉमेडी चलती है, फिर जब कुछ बड़ा पिक्चर बनेगा तो वापस चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट सेशन भी खत्म, ठीक है। आज आप 10 मिनट से जमने निकलो निकलो सवाल पूछवा तो पूछो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो हम पहनते हैं ना ना, हाँ नहीं हाँ तो आप ये जानती हो उसको, हाँ हाँ आपसे कुछ एक तो जिन्हें हम वामना मेहुल साहब भी Reading comprehension.